2020 शायद ही कोई ये साल याद करना चाहता हो। इस साल में लोगों ने न जाने कितने अपनों को खोया। एक ऐसी महामारी आई जिसके अंश अभी भी हमारे बीच हैं, कोरोना वायरस। चीन से आए इस वायरस ने पहली बार देश भर में लॉकडाउन लगाने का काम किया था। लेकिन तमाम नेगेटिव एनर्जी के बावजूद यही वो साल था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने का निर्णय लिया। इस साल उम्मीद की किरण लेकर आए कई ऐतिहासिक रिफॉर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में कोविड-19 संकट का सामना कर रहे एमएसएमई सेक्टर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे कई क्षेत्रों के लिए कई तरह के विशेष प्रयास किए गए थे। हालांकि फिल्मी जगत के लिए ये साल काफी शोकमय था। 2020 में दिग्गज सितारे इरफान खान, ऋषि कपूर, कोरियोग्राफर सरोज खान, कवि राहत इंदौरी, सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम समेत सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में एक सुनामी सी आ गई जिसमें कई एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए और नेपोटिज्म का मुद्दा जमकर उठा। इनके साथ ही चीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। साथ ही साल के अंत तक संसद में पारित हुए किसानों के लिए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। उस दौरान किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के रूप में कानून को पूरी तरह निरस्त करने की मांग की थी। लेकिन कई उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद साल 2020 का भारत के इतिहास के पन्नों में एक अलग महत्व है, क्योंकि 2020 ही वो ऐतिहासिक साल रहा जब सदियों के इंतजार के बाद पीएम मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की नींव रखी।